हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे फिर मिल रही हूँ एक नए स्टोरी के साथ। आई होप आपको स्टोरी के साथ साथ मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन से होता है, जिसका नाम जी है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बचपन से लेकर आज तक लकीस्ट पर्सन में से एक है। यहाँ वह कैसे लकी है इस बारे में भी दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तो वो जो भी लॉटरी चूज करती थी उसका जितना तय रहता था, इसलिए उसका फैमिली कंडीशन भी धीरे धीरे अच्छा होता गया। मिडिल स्कूल में भी एडमिशन के टाइम अच्छे लक के कारण उसका इजीली एडमिशन हो गया। इवन वो इतना लकी होती है कि जेम लगाया ब्रेड अगर गिरता भी है तो विदाउट जेम साइड, जो कि कोई ना देखे तो वो उठा के खा भी लेती थी। और अब जब वो शेयर स्टॉक कंपनी में काम करती है तो यहाँ भी उसका अच्छे लक के कारण काफी डिमांड था। बट इन सब के अलावा अगर उसका किसी में लक खराब था तो वो था उसका लव लाइफ। जब वो मिडिल स्कूल में थी तब उसका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि उसका एडमिशन हुआ लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का नहीं। कॉलेज लाइफ में जब भी वो अपने बीएफ के साथ बाहर जाती तो उसके गुड लक के कारण हमेशा उसका खाना फ्री हो जाता था, जो उसके बीएफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और नतीजन उसका हमेशा ब्रेकअप हो जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम अपने मेन लीड नॉट को देखते हैं, जिसका लक जी के लक से बिल्कुल अपोजिट था। उसे किसी भी टीम में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि वो जिस भी टीम में जाता उस टीम का हारना तय था। केमिस्ट्री लैब में भी चाहे वो कितना ही प्रिकॉशन क्यों न ले, उसके साथ गड़बड़ होना ही था। उसके हाथों से गिरा ब्रेड भी उस साइड गिरता है जिधर जेम लगा हुआ होता था। इवन लक उसका इतना ही खराब होता था कि वो उस गिरे हुए ब्रेड को अगर उठाना भी चाहता तो कोई ना कोई उस पर पैर दे देता था। उसका बैड लक हम एक और जगह देखते हैं। जब वो क्लब में गाना गा रहा था तो यहाँ एक लड़की उसे इनवाइट करती है, और जब वो उसके बताए प्लेस पर जाता है तो वो लड़की उसे फ्लर्टिंग करने लगती है, पर बेचारा किस्मत का मारा वो खुद पिटा जाता है। प्यार के मामले में भी इसका लक उतना ही खराब रहता है जितना बाकी चीजों में। गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने जाता है पर बेचारा का हमेशा ही पर्स चोरी हो जाता है। अब गर्लफ्रेंड कितना ही बार पे करेगी, नतीजन हर बार ब्रेकअप। यहाँ हम देखते हैं तीन मेंबर का उनका एक बैंड ग्रुप होता है, और वे मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं जहाँ वे अपना फर्स्ट गाना पोस्ट करते हैं, लेकिन घंटों बाद भी सिर्फ 7 व्यूज और 1 लाइक मिलता है। और इधर हम देखते हैं वो 1 लाइक करने वाली जी होती है। नेक्स्ट दिन हम जी को देखते हैं जो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए रोड क्रॉसिंग का टाइम खत्म होने पर भी वो रोड क्रॉस करती है। वहीं उधर नॉट भी पैदल आ रहा था, वो चाहता तो रोड क्रॉस कर लेता पर नहीं करता है। तभी हम देखते हैं एक गाड़ी जी को बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ लेता है और उसमें रखा सामान ऐसा फेंकाता है कि सीधा नॉट के सिर पर लगता है, और उधर जी बिना केयरिंग किए आराम से चली जाती है। नेक्स्ट दिन नॉट और उसके दोस्त व्यूज देखते हैं, जहाँ अब तक सिर्फ 19 व्यूज ही था। तभी उनका बॉस, जिसका नाम मिक्स था, वो एक वास्तुकार को लेकर आता है जो बताता है कि उसका ये सेटअप ही गलत डायरेक्शन में है, तो बिजनेस डाउन ना हो इसलिए पूरा सेटअप ही चेंज करना पड़ेगा, और इसलिए मिक्स उन तीनों को अपने सेट से बाहर कर देता है। ये सुनकर सब काफी दुखी होते हैं। वे तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ न्यूंग तीनों के लिए बबल टी लाता है। यह नोट कहता है कि बबल टी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर पल गले में फंस गया तो सांस लेने में दिक्कत हो सकता है और इंसान मर भी सकता है। न्यूंग कहता है, तुम हमेशा पागल जैसा बात क्यों करते हो, ये सब कोई पीता है और आज तक तो कोई नहीं मरा है, और किसी का इतना बैड लक तो नहीं है कि ये पीते हुए मर जाए। पर तभी हम देखते हैं नोट के गले में पल फंस जाता है और फिर उसका सांस अटकने लगता है। किसी तरह दोनों मिलकर उसके गले से पल बाहर करते हैं। न्यूंग कहता है, तुम्हारा लक तो नहायत ही खराब है। तो नोट कहता है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और मैं मिक्स को मना के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जी की जो फ्रेंड है वो मिक्स को कुछ ज्यादा ही लाइक करती है, पर जी मिक्स को हमेशा शक की निगाहों से देखती थी, इसलिए जी इस बात से बहुत चिढ़ती है कि उसकी फ्रेंड बेकार ही उसके पीछे पड़ी है। उसकी फ्रेंड यहाँ कहती है कि आज मिक्स अपने एक आर्टिस्ट के 100 मिलियन व्यूज पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है और मुझे वहाँ जाना था पर मेरे पास इन्विटेशन नहीं है। तब जी कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लकी गर्ल की फ्रेंड हो। और नेक्स्ट दिन हम उन्हें पार्टी में देखते हैं। यहाँ नोट भी आता है ताकि मिक्स से वो एक और चांस मांग सके। वहीं गेस्ट लकी ड्रॉ प्राइज दिया जाता है जो कि जी को ही मिलता है, जबकि इधर नोट मिक्स से रिक्वेस्ट करने उसके पास जाता है और उसे एक आखिरी चांस मांगता है। साथ ही कहता है कि एटलीस्ट यही बता दो कि तुम हमें डिस्पेंड क्यों किए, हमारा गलती कहाँ था। तब मिक्स उसे कहता है, गलती क्या है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना होगा कि उस गेट से लड़की बाहर निकलेगी या लड़का। नोट कहता है, लड़का, लेकिन गेट से लड़की निकलती है। नोट ये दोबारा प्रेडिक्ट करता है पर उसका आंसर अब भी गलत होता है, इसलिए वो काफी बार प्रेडिक्ट करता है पर हर बार उसका प्रेडिक्शन गलत ही निकल जाता है। तब मिक्स कहता है कि अब समझे, सिर्फ टैलेंट होना जरूरी नहीं है, लक का भी होना जरूरी है, और वो जाने लगता है। तब नोट कहता है, आखिरी बार। यहाँ वो गैस करता है कि लड़का बाहर निकलेगा और एक लड़का गेट के तरफ आता भी है, पर उससे पहले एक लड़की निकल जाती है।
नोट भी समझ जाता है कि दुनिया का वो लकीएस्ट पर्सन में से एक है। वहीं इधर जी अपनी मम्मी को कॉल करके बताती है कि उसने फिर से एक प्राइज जीता है, जहाँ ये सुनकर उसकी मम्मी बहुत ज्यादा इरिटेट होती है क्योंकि उसने इतना प्राइज जीत रखा था कि अब प्राइज रखने का जगह नहीं था। और तभी वो मिक्स को एक लड़की से बातें करते हुए देखती है, पर तभी उसके दोस्त मिक्स को आकर झाड़ने लग जाती है। मिक्स जी से कहता है पता नहीं तुम्हारा मुझसे प्रॉब्लम क्या है, पर उसकी फ्रेंड जी के साइड लेते हुए उल्टा उसी को सुनाने लगती है। तब वो कहता है मैं यहाँ किसी से फ्लर्टिंग करने नहीं आया हूँ, काम का बातें हो रहा था। पर जी की फ्रेंड तो गुस्सा के चली जाती है। इसे जी को काफी बुरा लगता है, पर इतना तक तो ठीक था। लेकिन जब वो अपने आसपास कपल्स को देखती है तो उसे अपने सिंगल होने का और भी बुरा लगता है। वो अकेले एक तरफ जाकर ड्रिंक करने लगती है और जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ हमारा नोट भी ड्रिंक कर रहा था। जी पूछती है तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तो नोट अपना दुख शेयर करता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक लकी और दूसरा अनलकी, और मैं अनलकीएस्ट पर्सन में से एक हूँ। जी उसे कंफर्ट फील कराते हुए कहती है कि जो लकी है वो जरूरी नहीं है कि खुश है, लेकिन आई होप कि तुम्हारा अच्छा दिन जरूर आएगा। और यहाँ दोनों एक दूसरे के अकेलेपन पर एक दूसरे को कंफर्ट फील कराते हैं। और तभी फायरवर्क स्टार्ट होता है। अब क्योंकि दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए दोनों होश में नहीं थे और उनमें किसिंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जी का आँख खुलता है तो वो अपने आप को न्यूट पाती है और उसके बगल में ही नोट होता है। उसे याद आता है कि कल रात ड्रिंक करके उन्होंने क्या क्या किया और अब वो काफी एम्बेरस फील करती है कि वो इतना इजी कैसे हो सकती है। तभी नोट का नीट टूटने लगता है। अब नोट उसे देख न ले इसलिए वो उसके सिर पर एक लैंप दे मारती है और नोट फिर से बेहोश हो जाता है। वो जल्दी से बाहर निकलती है और सोचती है कहीं वो मर तो नहीं गया, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। और इसके बाद वो घर जाने के लिए टैक्सी रोकती है, पर एक भी टैक्सी नहीं रुकता है। किसी तरह वो एक रैपिडो बुक करती है और घर पहुंचती है, और गेट खोलने के लिए जैसे ही पर्स से चाबी निकालती है उसका चाबी नाली में गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आज उसका लक इतना खराब कैसे चल रहा है। खैर वो दबे पांव घर घुसती है ताकि उसके मम्मी को पता न चले, पर वो देखती है कि उसके पेरेंट्स तो टूर पर गए हैं और अब वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। नेक्स्ट दिन वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसके दोस्त पूछती है कि क्या कल रात कुछ हुआ था, तो वो कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ था। उसकी दोस्त कहती है कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हो, तो वो कहती नहीं। फिर उसे बता ही रही थी कि आज सुबह से क्या क्या उसके साथ स्ट्रेंज हो रहा है। तब एक और न्यूज उसके पास आता है कि अचानक से उनके कंपनी के सारे शेयर स्टॉक डाउन हो रहे हैं। वहीं इधर हम नोट को सपने देखते हुए देखते हैं, जहां उसके सपनों में जी फेस पर मास्क लगाए हुए थी और नोट उसे देखकर काफी खुश हो रहा था। पर अचानक वो गायब हो जाती है और टीवी से मेट्रॉइड्स निकलने लगते हैं, जिससे उसके सिर पर चोट लगता है। और जब उसका आँख खुलता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। वहीं उधर जी देखती है कि उसके कंपनी का बॉस इलीगल हंटिंग के कारण गिरफ्तार हो गया है और कंपनी के सारे शेयर डाउन हो गए हैं। उसकी फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ब्रेड देती है, पर जैसे ही वो खाने वाली रहती है उसके ब्रेड में छिपकली गिर जाता है। डर से ब्रेड उसके हाथों से गिर जाता है और पहली बार ब्रेड जेम लगा हुआ साइड गिरता है। उसकी दोस्त तो उससे भी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि मैं एक ज्योतिषी को जानती हूँ, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती है और अगले सीन हम देखते हैं वो खाना खाती है तो उसमें मक्खी गिरा होता है। नेक्स्ट दिन पहली बार ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस खोजता है। अब क्योंकि उसका गुड लक बैड लक में बदल गया था इसलिए उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। और अब वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है पहले मुझे जेल से निकालो। वहीं इधर नियंग कहता है हो सकता है कल रात तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक करके नीचे गिर गए होगे और तब सिर पर चोट लग गया होगा। लेकिन नोट उसे अपना धुंधला सा याद बताता है कि उसने कल रात ड्रिंक किया, फिर एक लड़की से मिला, उसको होटल ले गया, फिर अर्थ पर मेट्रोइड्स गिरने लगे। फिर सोचता है वेट, मेट्रोइड्स गिरता तो दुनिया खत्म हो जाता, फिर तो मैं बचता ही नहीं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मर के जिंदा हो गया? लेकिन ऐसा होता तो मैं हॉस्पिटल में नहीं होता, मतलब वो सपना था। लेकिन वो लड़की कौन थी? और तब जीडी आकर बताता है कि उनके सॉन्ग पर 5 मिलियन व्यूज चला गया है। पर इसी बीच नोट का जैम लगा हुआ ब्रेड गिर जाता है। अब इधर दोनों मिलियंस पर व्यूज देखकर खुश हो रहे थे, वहीं उधर नोट खुशी से रो रहा था क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसका ब्रेड विदाउट जैम लगा साइड गिरता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और तब दोनों उसे बताते हैं कि उनके सॉन्ग पर 5 मिलियन व्यूज चला गया है। तीनों काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जी अपने फ्रेंड के साथ एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है, जहां वो बताती है कि तुम्हारा गुड लक किसी के बैड लक से एक्सचेंज हो गया है। अब जी को समझ नहीं आता है कि उसका गुड लक किसने चुरा लिया। वहीं इधर अब हम नोट और उसका टीम को मिक्स के म्यूजिक स्टूडियो में देखते हैं। यहां मिक्स उनसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट डील करता है और अब रातों रात नोट और उसका टीम पॉपुलर होने लगता है। दूसरी तरफ जी ये न्यूज देखती है कि एक न्यू म्यूजिक बैंड टीम रातों रात वायरल हो गया, खासकर टीम लीडर नोट जो कि काफी हैंडसम भी है। उनका रिसेंटली पोस्ट किया हुआ वीडियो 300 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। और इधर जी जब नोट का चेहरा देखती है तो वह समझ जाती है कि उस रात नोट के साथ फिजिकल होने के बाद उनका लक एक्सचेंज हो गया है।
अगले दिन वो अपने फ्रेंड के साथ टेंपल जाती है और उसे बताती है कि जरूर उसका लक उस म्यूजिशियन नोट के साथ एक्सचेंज हो गया है, पर यहाँ वो ये नहीं बताती है कि उनके बीच उस रात क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि उसका एक खास क्लाइंट उस पर इन्वेस्ट किया हुआ अपना सारा शेयर वापस ले लेता है और उसे फ्रेंडशिप भी तोड़ लेता है। इसके बाद हम उसे फिर मंदिर में देखते हैं जहाँ वो अपने फ्रेंड से कहती है कि वो अपना लक वापस लेकर रहेगी और तभी उसके ऊपर लोटा गिर जाता है। वहीं उधर हम उन तीनों को इंटरव्यू में देखते हैं जिसके बाद मिक्स उन्हें कहता है कि तुम्हें एक एक्ट्रेस से मिलना है जिसने तुम लोगों का सॉन्ग कवर किया था और उसी के वजह से तुम लोग फेमस हुए हो। यहाँ न्यंग कहता है कि बार बार इसके उसके साथ मिलना टाइम वेस्ट है, पर जीडी मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। इसलिए नेक्स्ट दिन मिक्स नोट और जीडी के साथ उस एक्ट्रेस के शूटिंग पर जाते हैं। यहाँ जीडी उस एक्ट्रेस पर इंटरेस्ट लेता है लेकिन मिक्स उसे वहाँ से हटाने के लिए कॉफी लाने भेज देता है और नोट से कहता है कि वो एक्ट्रेस तुम्हें कैसी लग रही है, खूबसूरत है ना। तो नोट कहता है हाँ, फिर कहता है लेकिन उसके बगल में वो लाइट सेटअप ठीक से फिट नहीं है, गिर सकता है। तो मिक्स कहता है मैं तुम्हें लड़की के बारे पूछ रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तभी नोट देखता है कि वो लाइट सेटअप गिरने वाला है इसलिए वो दौड़कर उस एक्ट्रेस को बचा लेता है। इसी चक्कर में वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और ये काफी रोमांटिक सीन होता है। अगले सीन जीडी उस एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने के लिए उसे बबल टी देता है, पर वो तो नोट से मिलने के लिए एक्साइटेड रहती है। वो नोट के पास जाती है और उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है, साथ ही उसे बताने खोजती है कि वो उसे पहली नजर में ही पसंद करने लग गई है। पर नोट कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरा गाना पसंद आ गया है, फिर उसे बबल टी पीने से रोकता है कि कहीं पल गले में फंस जाए तो दिक्कत हो सकता है। ये सुनकर वह कहती है कि तुम काफी फनी हो। वहीं इधर इस शो का डायरेक्टर मिक्स से कहता है कि लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दूसरी तरफ वो फॉर्चून टेलर जी को बताती है कि तुम दोनों का किस्मत पहले से ही तय है कि तुम दोनों बार बार हर जन्म में मिलते रहोगे। किसी जन्म में तुम्हारा लक अच्छा रहेगा तो अगले जन्म में उसका, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस जन्म में तुम लोगों का लक बीच में ही एक्सचेंज कैसे हो गया। तब जी बताती है कि हो सकता है उसके साथ वन नाइट स्पेंड था इसलिए ऐसा हुआ। तब फॉर्चून टेलर कहती है कि एग्जैक्टली यही रीजन हो सकता है और अब अगर तुम्हें अपना लक वापस चाहिए तो उसके साथ फिर से सेक्स करना होगा। दूसरी तरफ मिक्स नोट से कहता है कि इस सैटरडे तुम्हारा एक और इवेंट है, तुम्हें और भी सॉन्ग के प्रैक्टिस करने चाहिए। लेकिन नोट कहता है पता नहीं क्यों सब अजीब लग रहा है, सब कुछ मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तब मिक्स कहता है ये सब सोचने से बेटर है तुम अपने गुड लक का एडवांटेज लो और अपने करियर पर फोकस करो। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे उस एक्ट्रेस के बारे सोचना चाहिए क्योंकि नोट ऐसा भी अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं है। वही इधर जी परेशान रहती है कि वो एक और बार कैसे नोट से इंटीमेट होगी। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी इजी हो। जी कहती है मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। और तभी उन्हें नोट के नेक्स्ट इवेंट के बारे पता चलता है। यहाँ वो उसका एक इंटरव्यू भी देखती है जिसमें नोट बताता है कि उसकी अब तक से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है पर एक लड़की है जिसका वो हमेशा सपना देखता है, जिसे वो पहली बार एक पार्टी में मिला था और पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, पर उसे उसका चेहरा धुंधला धुंधला सा याद है। ये सुन जी अब उससे मिलने का मूड भी बना ही लेती है। नेक्स्ट दिन वे दोनों मिक्स के पास जाती है जहाँ जी मिक्स से रिक्वेस्ट करती है कि इस इवेंट में जाने के लिए उसे भी एक टिकट दे दे, पर काफी रिक्वेस्ट करने पर भी वो टिकट देने को तैयार नहीं होता है क्योंकि वो भी जी को पसंद नहीं करता था। आफ्टर ऑल वही तो थी जो हमेशा उसके लव लाइफ में टांग अड़ाती थी। पर यहाँ उसके दोस्त मिक्स से कहती है कि चुपचाप से उसे टिकट दो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और अब मजबूरन मिक्स को टिकट देना ही पड़ता है। घर आकर वो डिसाइड करती है कि इस इवेंट के लिए कौन सा कलर का ड्रेस सही रहेगा। फिर वो मोबाइल में अलार्म लगाती है और फोन चार्ज में लगाकर सो जाती है, पर हम देखते हैं उसका चार्जर क्रैश हो जाता है और इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ ही रह जाता है। नेक्स्ट डे उसकी मम्मी घर आती है और उसे जगाती है जहाँ वो देखती है कि मोबाइल स्विच ऑफ रखा है और उसे उठना था सुबह और अब हो चुका है दोपहर। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर इवेंट पर पहुंचती है जहां वो देखती है कि उसके पर्स में तो वॉलेट है ही नहीं, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी में दूसरा पर्स उठा लाई थी। वही नियम उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वही उधर नोट अपने परफॉर्मेंस को लेकर नर्वस हो रहा था जबकि इधर जी वॉशरूम में रिहर्सल कर रही थी कि वो किस तरह नोट को अप्रोच करेगी। और इसी रिहर्सल के दौरान जब वो ये सेंटेंस कहती है क्या तुम आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे, और तभी वह नोट आ जाता है। वो कहता है ये तो जेंट्स वॉशरूम है, लेकिन हम देखते हैं जी तो उसके पीछे पीछे अंदर तक चली जाती है इसलिए नोट उसे स्टॉकर समझता है। पर वो उसे याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जो उसके सपनों में आया करती है, जो उस दिन उस पार्टी में उससे मिली थी। और यहाँ नोट उसे देखकर स्माइल करता है और अब नोट को भी लगता है कि जी ही वो लड़की है। लेकिन जब वो कहती है कि उसने वो इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने उसके बारे मेंशन किया था, तब वो सोचता है वेट, इंटरव्यू देखकर तो कोई भी लड़की ये क्लेम कर सकती है कि वो वही लड़की है। इसलिए वो कहता है मुझे उस रात का कुछ याद तो नहीं है पर इतना श्योर हूँ कि तुम वो लड़की नहीं हो।
लेकिन जी तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो कहती है, तुम कैसे भूल सकते हो, हमने अपनी मर्जी से रात गुजारा था और अब तुम मुझे पहचाने से मना कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम मेरे साथ कर सकते हो। पर नोट कहते रह जाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और मौका पाकर वो भागने लगता है और इसलिए जी भी उसका पीछा करने लगती है। वो भागते भागते स्टेज के गेट पर पहुंचता है जहां कार्ड उससे कहता है कि अभी स्टेज पर जाने का टाइम नहीं हुआ है और तब तक वहां जी भी आ जाती है पर उसे आगे की तरफ भी रोक लिया जाता है। वो रिक्वेस्ट करते रह जाती है कि उसे नोट से मिलना है पर गार्ड उसे विदाउट पास आगे जाने नहीं देता है। तब तक वहां जीडी पहुंच जाता है और उसे लगता है कि जी उनके ग्रुप की फैन गर्ल है, इस वजह से वो फोटो खिंचाने के लिए बेताब हो रही है और इसलिए वो फोटो खिंचाने का ऑफर देता है। नोट सोचता है ये पक्का कोई साइको ग्रुपी है जो सेलिब्रिटीज के साथ नाइट स्पेंड करना पसंद करती है और तब तक उनके अंदर जाने का टाइम भी हो जाता है। इसके बाद उनका प्रोग्राम स्टार्ट होता है और इवेंट खत्म होने के बाद हम जी को टैक्सी रोकते हुए देखते हैं, लेकिन एक भी टैक्सी नहीं रुकता है। तब जीडी उसके पास आता है जहां वो बताता है कि अगर उनके ग्रुप के लिए भी मैनेजर होता तो उन्हें भी इस तरह टैक्सी नहीं रोकना पड़ता। ये सुनकर जी काफी खुश होती है कि मैनेजर का पोस्ट खाली है। वहीं अगले सीन हम मिक्स को देखते हैं। अब क्योंकि मैनेजर नहीं होने के कारण उसे काम को हैंडल करने में काफी दिक्कत हो रहा था, तभी जीडी जी को लेकर मिक्स के पास आता है। वैसे तो मिक्स को मैनेजर का काफी जरूरत था पर वो ये जॉब जी को नहीं देना चाहता था, लेकिन जी काफी रिक्वेस्ट करती है। तब वो कहता है कि अगर तुम ये सही गैस कर पाओगे कि इसमें से किस स्टिक में कलर लगा हुआ है तो मैं तुम्हें जॉब पर रख लूंगा। और यहाँ जी सही स्टिक गैस करती है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसका गैस सही कैसे निकला। अगले सीन वो ये बात अपने फ्रेंड को बताती है कि अब वो मिक्स के लिए काम करेगी क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वो नोट के क्लोज हो सकती है। यहाँ उसके दोस्त उसे सपोर्ट करती है और कहती है, हाँ एक बार तुम्हारा गुड लक वापस आ जाए फिर तुम कंपनी दोबारा ज्वाइन कर सकती हो। इसके बाद जब वो घर जाती है तो वहाँ वो अपने उस इम्पोर्टेंट क्लाइंट को पाती है। यहाँ उसकी मम्मी जी से कहती है, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। तो वो कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तब वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जी को समझ नहीं आता है कि अचानक क्या हो रहा है और इसलिए वो जल्दी से बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेती है और सोचती है ये मेरा गुड लक चल रहा है या बैड लक। इसके बाद वो उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है जहाँ वो बताती है कि ये तुम्हारा बैड लक में गुड लक है, मतलब तुम्हारा राहु केतु कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहा है तो ये तुम्हारा टेम्पोररी गुड लक है और इसलिए इस टाइम का फायदा उठाओ और अपना लक वापस लाओ। नेक्स्ट डे आज उसके मैनेजर के रूप में फर्स्ट डे होता है। यहाँ जीडी उससे मिलता है और फ्लर्टिंग करने लगता है। तब वो सोचती है पहले इससे पीछा छुड़ाना होगा और वो उसे कहती है कि तुम अभी न्यू फेमस आर्टिस्ट हो और तुम्हारे फैंस फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, इसलिए ये सही नहीं रहेगा कि उन्हें पता चले कि उनका आइडल किसी रिलेशन में है। जीडी को भी उसके बातों में पॉइंट दिखता है और वो इजीली जी को गिव अप कर देता है। इसके बाद मिक्स उसे बाकी मेंबर से मिलाता है जहां नियम उसे देखकर खुश होता है तो वही नोट काफी हैरान होता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम साइको फैन गर्ल हो और मेरे क्लोज आने के लिए ये सब कर रही हो। तब वो कहती है, तुम तो बस देखते जाओ, मैं तुम्हें याद दिला के रहूंगी कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन हम उस एक्ट्रेस को देखते हैं जहाँ आज उसके ड्रामा का लास्ट शूटिंग था। अच्छा, उस एक्ट्रेस को बार बार एक्ट्रेस बोलना सही नहीं लग रहा है, एक्चुअली उसका नाम चार्म है। तो चार्म का शो दिखाते हुए मिक्स कहता है कि इस शो के डायरेक्टर हमारे म्यूजिक वीडियो के भी डायरेक्टर है, तो अगर चार्म जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस हमारे एमवी में भी दिखेगी तो हमारा सॉन्ग और ज्यादा वायरल होगा। वहीं उधर चार्म डायरेक्टर से कहती है कि नेक्स्ट ड्रामा के लिए जो उसे रोल करना है वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। इस पर डायरेक्टर कहता है, बिल्कुल नहीं, रोल डिफिकल्ट नहीं होगा अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, इससे तुम अपना रोल अच्छे से समझ पाओगी। और यहाँ वो नोट का फोटो दिखाकर उसे नोट के साथ इंगेज होने के लिए कहता है। एक्चुअली ये डायरेक्टर और मिक्स दोनों ही चार्म और नोट को साथ करना चाहते थे ताकि उन्हें अपने अपने इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो। वहीं उधर जी जीडी से पूछती है कि जनरली तुम्हारे जैसे लड़के, मतलब जो म्यूजिशियन होते हैं, उन्हें किस टाइप की लड़की पसंद होती है। तब जीडी उसे लड़कियों के टाइप बताता है और ये भी बताता है कि किस टाइप के ड्रेसिंग स्टाइल वाली लड़कियों को म्यूजिशियन पसंद करते हैं। और नेक्स्ट सीन हम सबको देखते हैं जहाँ आज उन्हें अपना न्यू सॉन्ग कवर करना था। तभी वहाँ जी काफी छोटे कपड़े पहने हुए आती है, ये देख सब काफी हैरान रहते हैं। नोट सोचता है, लगता है आज ये आउट ऑफ माइंड है। और तभी वहाँ चार्म भी आती है जिसका ड्रेसिंग स्टाइल जी से काफी अलग था और यहाँ नोट उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो नोट के पास बैठ जाती है और कुछ फोटो खिंचाकर उन्हें आईजी में पोस्ट कर देती है और इधर उन्हें इस तरह चिपकते देख जी को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मिक्स चार्म को आज रात के डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद वे तीनों अपना न्यू सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट सीन हम सबको पार्टी में देखते हैं जहाँ आज जी तो पूरा मूड बना ही ली थी कि आज उसे नोट को सीड्यूस करना ही है। वो दिमाग लगाती है कि अगर नोट ड्रिंक करे तो ये ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए वो सबके लिए ड्रिंक रेडी करती है। बट वहाँ तो नोट था ही नहीं। वो नोट को कॉल करके आने कहती है पर वो डर से आता ही नहीं है। फिर भी किसी तरह वो सामने लाकर उसे काफी ड्रिंक करा देती है और उससे क्लोज होने लगती है, पर वो इतना ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था कि उसे वॉमिटिंग होने लगता है। कुछ देर बाद वो जी से पूछता है कि तुम्हें आज का हमारा सॉन्ग कैसा लगा, क्या वो वाकई ठीक है। तो जी कहती है, हाँ क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या।
तो वो कहता है अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ लक के वजह से फेमस हुए हैं, जो कि टेम्पोरेरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं अनलकीस्ट पर्सन में से एक हूँ और कल नहीं तो परसों ये फेम गिरने ही वाला है। तब जी कहती है होपलेस होना गलत नहीं है, पर इससे डिस्करेज होना ये गलत है। फिर उसे कम्फर्ट फील कराते हुए वही सेंटेंस दोहराती है जो उस दिन पार्टी में उसे बोलकर कम्फर्ट फील करा रही थी। ये सुनकर नोट को उस रात का मेमोरी कुछ धुंधा धुंधा सा याद आता है। फिर उसके पैर को ढकते हुए कहता है तुमने काफी कम कपड़े पहने हैं, तुम यूजुअली जैसा पहनती हो उसी में अच्छी लगती हो। और फर्स्ट टाइम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आता है, उनमें आई कांटेक्ट होता है और फिर किसिंग होने वाला रहता है। पर तभी नोट के कुछ फैंस वहां आ जाते हैं जिससे दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकलकर कार में बैठ जाते हैं। यह नोट से सीट बेल्ट लगाया नहीं जा रहा था। तब जी उसका हेल्प करती है जहाँ नोट उसका हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों काफी क्लोज होते हैं तो उनमें किसिंग होने ही वाला होता है कि कार अचानक से आगे की तरफ मूव होने लगता है। नोट जल्दी से ब्रेक लगाता है और कुछ देर के लिए दोनों को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। तभी वहाँ चार्म आ जाती है और नोट से कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ रखती हूँ। इधर जी को काफी गुस्सा आता है कि चार्म की वजह से इतना अच्छा मूड पर पानी फेर गया। वहीं दूसरी तरफ चार्म नोट से उसके और जी के रिलेशन के बारे पूछती है जहाँ वो कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो कहती है शायद वो तुम्हारी क्रश है इसलिए तुम्हें अप्रोच करने का कोशिश कर रही है। और यहाँ वो उसे जी से सावधान रहने का सलाह भी देती है। घर पहुंचकर उसके दिमाग में जी का ही ख्याल आता है। वो काफी कोशिश करता है कि जी के बारे न सोचे, पर जितना वो उसे नहीं सोचने खोजता है उतना ही उसके बारे सोचे जाता है। वो यही बोल बोल कर एक्सरसाइज करने लगता है कि उसके बारे नहीं सोचना है। पर इन द एंड जब वो सोता है तो उसके सपनों में जी आती है। यहाँ वो मास्क लगाए हुए थी। नोट कहता है तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आती हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम कैसे दिखती हो और कुछ दिन से मेरा दिल किसी और लड़की के लिए धड़क रहा है जो कि सही नहीं है। तब जी फेस से मास्क हटाते हुए कहती है कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हारी ड्रीम गर्ल और वो लड़की मैं ही हूँ। नोट जी का चेहरा देखकर चिल्ला उठता है और इधर हम देखते हैं ये उसका सपना था। वो सोचता है अब ये सपना में भी मुझे परेशान करने लग रही है। इसके बाद न्यूज वाले चार्म और नोट के रिलेशन को काफी बड़ा चढ़ाकर कवर करते हैं कि लगता है उन दोनों अब रिलेशनशिप में है। नोट मिक्स से कहता है कि हमें मीडिया वाले से बात करना चाहिए कि इस तरह का गलत रूमर ना फैलाए। तब मिक्स कहता है ये तो अच्छा है कि ऑडियंस तुम दोनों को पसंद कर रहे हैं, उतनी बड़ी एक्ट्रेस की वजह से तुम्हारे गाने को पसंद किया जा रहा है, इसलिए इस फायदा का मौका उठाओ। वहीं उधर जी अपनी फ्रेंड के साथ ट्रैफिक जाम में फंसी थी। तभी उसे उस फॉर्चून टेलर का कॉल आता है जहाँ वो बताती है कि एक कॉमेट तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है और 3 दिन में वो खुली आंखों से देखा भी जा सकता है, और इससे पहले कि वो देखा जाए तुम्हें अपना लक वापस लेना है वरना तुम्हारा बैड लक दिन ब दिन खराब होता जाएगा। इसके बाद जब वो स्टूडियो आती है तो मिक्स कहता है सेल डिपार्टमेंट वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे आर्टिस्ट प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। इसके बाद हम उसे नियंग के पास देखते हैं जहाँ वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ प्रोडक्ट के साथ उसका फोटो लेती है और उसके आईजी में पोस्ट कर देती है। यहाँ नियंग उसे पूछता है कि क्या तुम नोट को लाइक करती हो, तो वो कहती है बिल्कुल नहीं। तब वो उसे कॉफी के लिए ऑर्डर करता है और कहता है क्या कुछ बात है जिसके कारण तुम परेशान हो, तो वो कहती है मेरा लक इतना खराब चल रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। तब नियंग कहता है ये बस देखने का नजरिया है, कुछ लोग खुश रहते हैं क्योंकि वे अपने लाइफ के अच्छे चीजों को देखते हैं और कुछ सैड रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ खराब चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं और बस यही सोचते हैं कि उनका लक खराब है, इसलिए हमारे पास जितना है उतने में हमें खुश रहना चाहिए। ये सब सुनकर जी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो उसे थैंक यू कहकर घर चली जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स से उसे पता चलता है कि 3 दिनों में उन्हें घर खाली करना है। एक्चुअली घर खाली करने का नोटिस कुछ महीना पहले ही आ चुका था बट उसके पेरेंट्स उसे बताना भूल गए थे। नेक्स्ट दिन नियंग इस मैटर पर एग्री नहीं होता है कि उनके न्यू एमबी के लिए गाने पर नहीं बल्कि एक्टिंग पर फोकस किया जाना है, पर मिक्स कहता है कि अभी ऑडियंस नोट और चार्म को देखना चाहती है इसलिए उन पर ज्यादा फोकस करना प्रॉफिटेबल है। लेकिन नियंग नोट से कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा ड्रीम म्यूजिक है न कि एक्टिंग। वहीं इधर मिक्स कहता है कि तुम्हारा ड्रीम जो भी है विदाउट फेम और ऑडियंस बेकार है। अब नोट को समझ नहीं आता है कि किसका बात सुने क्योंकि दोनों पॉइंट वाला ही बात कर रहे थे। वो मिक्स के बातों पर एग्री करता है और मिक्स यहाँ कहता है कि जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। इसके बाद नियंग अपना गुस्सा नोट पर उतारने लगता है और वहीं जी उन्हें देख रही होती है। वो नोट के तरफ आ ही रही होती है कि उसका पैर कुत्ते के पॉटी पर पड़ जाता है और उसे नोट के सामने एम्बैरेस होना पड़ता है। अगले सीन नोट उसके लिए स्लीपर ला देता है और यहाँ जी को उसका केयरिंग देखकर काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स अपना बोरिया बिस्तर लेके आ जाते हैं और कहते हैं घर में बिजली और वाटर सप्लाई कट कर दिया गया है। अब जी भी परेशान हो जाती है कि अब वे कहाँ रहेंगे। तब नियंग उन्हें अपने एक अपार्टमेंट ले जाता है। यहाँ उनके पेरेंट्स को ये अपार्टमेंट काफी छोटा लगता है इसलिए वे जी के उस इम्पोर्टेंट क्लाइंट को फोन करते हैं और वो आकर जी से कहता है कि मेरा अपार्टमेंट इससे भी बड़ा है
लेकिन जी कहती है कि उसे उसके अपार्टमेंट में नहीं रहना है। वहीं हम देखते हैं उसके पेरेंट्स तो बड़ा अपार्टमेंट का नाम सुनकर उधर ही चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन वो अपने लक को कोसती है कि दिन इतना खराब चल रहा है कि अब रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, पर तभी नियंग उसके पास आता है और उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। यहाँ जी नोट और चार्म के फोटो को देखते हुए जेलस फील करती है। तब नियंग पूछता है कि तुम सच में नोट को लाइक नहीं करती, तो फिर लास्ट नाइट तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था? जी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस प्यार के मामले में भी अपना लक आजमाना चाहती हूँ। नियंग कहता है ऐसा है तो फिर तुम्हारा मेथड काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं नोट को अच्छी तरह जानता हूँ, और अगर तुम सच में उसे अप्रोच करना चाहती हो तो उसे ये कहे बिना अप्रोच करो कि तुम उसे लाइक करती हो। तब जी पूछती है वो कैसे, और अगले सीन हम देखते हैं कि नोट सोकर उठता है, जहां वो अचानक अपने घर में जी को देखकर काफी सॉफ्ट हो जाता है। वो कहता है दूर रहो मुझसे, तुम्हें पता है ना सेक्सुअल हरासमेंट क्राइम है। तब जी कहती है तो तुम मेरे बारे यही सोचते हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं यही करने आई हूँ, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम तीनों की आर्टिस्ट मैनेजर हूँ। तो अब क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्किन केयर लाई हूँ, और तुम्हारे रूम का चाबी मुझे नियंग ने दिया था। फिर उसके लिए वो ब्रेकफास्ट रेडी करती है, और उसी वक्त जब वो उसके लिए ब्रेड पर जैम लगाती है तो वो जमीन पर गिर जाता है। तब नोट आकर उसका हेल्प करता है, जहाँ अब धीरे धीरे उनमें फीलिंग्स डेवलप होने लगता है। यहाँ जी उसे कहती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद मेरे साथ चलना होगा, मैंने तुम्हारे लिए एक्टिंग क्लास बुक करा है, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि तुम एक्टिंग को लेकर परेशान हो। नोट को भी उसका केयरिंग देकर काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद हम उन्हें एक्टिंग क्लास में देखते हैं। हालांकि यहाँ उसका एक्टिंग काफी कॉमेडी वाला रहता है, इसलिए एक्टिंग टीचर जी को भी कहती है कि इसके साथ एक्टिंग करने का रिहर्सल करो, और यहाँ उन्हें एक रोमांटिक सीन का प्रैक्टिस कराती है, जहाँ दोनों को एक दूसरे के आंखों में देखना था, और यहाँ सच में दोनों काफी क्लोज होते हैं। इसके बाद एक्टिंग क्लास खत्म होता है और वे जाने लगते हैं। तभी एक बाइक जी के एकदम सामने से क्रॉस होता है, इसलिए वह गिरने वाली होती है कि नोट उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं कि तभी नोट को एक कॉमेट दिखता है। वो जी को देखने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि ऐसे ही अभी उसका लक खराब चल रहा है, और अगर वो कॉमेट देखेगी तो और भी उसका लक खराब चलेगा। पर नोट तो उसे फिर भी देखने कहता है, और जब वो देखती है तो काफी खुश होती है, क्योंकि वो इतना प्यारा लग ही रहा था, और उसके फेस में स्माइल देखकर नोट के फेस में भी स्माइल होता है। नेक्स्ट सीन जी नियंग के पास जाती है और उसे आज के आइडिया के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है मुझे ऐसा पहले ही करना चाहिए था, अब लगता है कि नोट को मेरे ऊपर ट्रस्ट होने लगा है। हालांकि नियंग ऐसा शो करता है जैसे कि वो जी के लिए खुश है, पर हम समझ पाते हैं कि वो जी को लाइक करने लगा है। वहीं इधर जी नोट को मैसेज कर जल्दी सोने कहती है, क्योंकि कल उनके एमबी का शूटिंग होना था। फिर वो सोचती है वेट, ये कैसा फीलिंग है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उसके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। और तब नोट रिप्लाई करता है कि हाँ ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, जिसको रीड करके वो काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे आज उनके एमबी का शूटिंग होना था। यहाँ जब जी सेट पर पहुंचती है तो नीचे रखे कुछ तारों से फंस कर गिरने वाली होती है कि नियंग उसे पकड़ लेता है। वो उसे थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जी की फ्रेंड मिक्स के साथ सेट पर पहुंचती है, और यहाँ वो मिक्स के साथ जाना चाह रही थी, पर मिक्स उसे सबके सामने आने नहीं कहता है। तो वो कहती है मैं क्यों नहीं जा सकती, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ? तब मिक्स उसे ये कहते हुए चला जाता है कि हम लोगों ने ऑफिशियली रिलेशनशिप का डिक्लेयर किया ही कब है। ये सुनकर जी के दोस्त काफी रोती है, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि उसकी फ्रेंड और मिक्स का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से बढ़कर है, पर मिक्स उसे कभी भी गर्लफ्रेंड उतना वैल्यू देता ही नहीं है। वहीं इधर जब जी अंदर जाती है तो देखती है जीटी अपना मेकअप खुद ही लगाकर पूरे फेस को बर्बाद कर रखा है। वो जल्दी से उसे मेकअप साफ करने कहती है। इसके बाद नोट तैयार होकर आता है और जी से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जहाँ जी उसका तारीफ करती है, पर नोट के फेस से वो समझ पाती है कि वो अपने शूटिंग को लेकर नर्वस है, इसलिए वो उसे कंफर्ट फील कराती है और कहती है किसी ने कहा है कि लक उसी का साथ देता है जो ट्राई करते हैं, एंड आई नो कि तुम उनमें से एक हो। और वहीं हम देखते हैं नियंग उनका बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन उनका शूटिंग स्टार्ट होने वाला रहता है, जहाँ नियंग काफी अपसेट दिख रहा था, तो नोट उससे पूछता भी है कि क्या कोई परेशानी है, जहाँ नियंग कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद उनका शूटिंग स्टार्ट होता है, पर हम देखते हैं कि चार्म को ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, इस वजह से उनका शूटिंग आज के लिए कैंसिल हो जाता है। और यहाँ डायरेक्टर प्रैक्टिस के लिए जी और नोट को रिहर्सल करने कहता है। अब क्योंकि ये सीन थोड़ा रोमांटिक था, तो सीन प्रैक्टिस करते करते सच में वे दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं, और किसिंग सीन नहीं होने पर भी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर सारे क्रू मेंबर हैरान के हैरान ही रह जाते हैं। खैर नेक्स्ट डे फिर शूटिंग अच्छी तरह से कम्प्लीट होता है, और नेक्स्ट सीन हम उन्हें इंटरव्यू में देखते हैं। यहाँ इंटरव्यू तो ठीक ही चल रहा था, पर जब एंकर एक क्लिप ऑडियंस को दिखाती है तो सब शॉक्ड रह जाते हैं, और असल में वो क्लिप नोट और जी के किसिंग सीन का था। हालांकि यहाँ सब बताने का कोशिश करते हैं कि वो बस एक रिहर्सल था, पर ऑडियंस को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता है।
देखते ही देखते ये वीडियो क्लिप वायरल होने लगता है और सोशल प्लेटफॉर्म के किसी भी कमेंट बॉक्स पर जी के ही अगेंस्ट कमेंट बढ़ने लगता है। नोट और चार्म के फैंस जी को बुरा बुरा कमेंट करने लगते हैं। नतीजन ये होता है कि मिक्स उसे अपने काम से सस्पेंड कर देता है। वो रिक्वेस्ट करती है, तब मिक्स एक कागज पर कुछ लिखता है और एक बॉक्स में डालकर तीनों बॉक्सों को उलट फिर कर एक बॉक्स चूज करने को कहता है। वो एक बॉक्स चूज करती है और काफी खुश होती है क्योंकि उसमें वो कागज का टुकड़ा था, पर जब वो पेपर खोलती है तो उसमें लिखा था यू आर सस्पेंडेड। अब बेचारी जी अपना उदास चेहरा लिए जा रही होती है जहाँ नियंग उसे कहता है क्या बात है, तो वो बताती है कि मिक्स ने उसे सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करके मिक्स को मनाने कहती है इस उम्मीद में कि शायद वो उसे काम पर फिर से रख ले। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे अब रियलाइज हो गया है कि ऐसे रिलेशनशिप में रहना बेकार है क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। जी कहती है इतना दिन जब मैं यही कहती थी तब तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ और आज ही तुम्हें रियलाइज होना था। इसके बाद हम देखते हैं कि आईजी में भी उसके नेगेटिव कमेंट आता ही रहता है। वह चार्म भी अपना फेक अकाउंट बनाकर उसके आईजी में काफी नेगेटिव कमेंट करती है। दूसरी तरफ उन तीनों का फोटो शूटिंग चल रहा था। अब क्योंकि जब जी उनकी मैनेजर थी तब उसने आज एक इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट ले रखा था, इसलिए रिपोर्टर वाले बीच फोटो शूटिंग में आ जाते हैं और नोट से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे आर्टिस्ट मैनेजर के बीच क्या रिलेशनशिप है। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वे क्या करें। तब मिक्स जीडी को इशारा करता है कि बीमार होने का नाटक करो, इसलिए जीडी भी अचानक तबीयत खराब होने का प्रिटेंड करने लगता है और इसी बहाने सब वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद मिक्स नोट को एडवाइस देता है कि अगर तुम ये अनाउंस करते हो कि तुम और चार्म एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो तुम्हारा और जी वाला न्यूज अपने आप दब जाएगा, इससे तुम्हारा करियर भी बूस्ट होगा और हमारे कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। अब नोट सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे क्योंकि चार्म के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं, तो वो कैसे अनाउंस कर सकता है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ वो जी को काफी मिस करता है। इसके बाद वो जी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है क्या ठीक रहूंगी, डेली डेली इतने हेटफुल कमेंट आते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का मर्डर ही कर दिया हो। नोट उसे कम्फर्ट फील कराने के लिए उसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देता है, फिर कहता है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और मिलकर मीडिया वालों को बताना चाहिए कि हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। तब जी कहती है क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो वो सब क्या था और तुम यहाँ क्यों आए हो। नोट भी सोचता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। तब जी दरवाजा खोलने जाती है और अगले ही सीन हम उसे शादी में देखते हैं, और यहाँ उसका शादी उसके उस क्लाइंट के साथ हो रहा था। वो हैरान रह जाती है कि चल क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ हमें पता चलता है कि जी के पेरेंट्स ने उसके उस क्लाइंट के पेरेंट्स से मिलकर दोनों का शादी फिक्स कर दिया था और शादी के लिए शुभ मुहूर्त आज ही था, इसलिए जी को अचानक यहाँ उठा के लाया गया। अब जी उनसे कहती है आप लोगों ने इतना प्लानिंग करके ये सब करा, लेकिन आप लोगों ने मेन चीज तो किया ही नहीं, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता कि मुझे शादी करना भी है या नहीं। और तभी उसके उस फॉर्चून टेलर का कॉल आता है जहाँ वो बताती है कि आज तुम्हारा बैड लक एकदम पीक पर है और तुम्हें व्हाइट ड्रेस पहने इंसान ही बचा सकता है, इसलिए आज जो व्हाइट ड्रेस पहने हुए है उन्हीं के साथ रहो। अब वो सोचती है यहाँ से पहले बाहर कैसे निकले क्योंकि यहाँ रहेगी तो उसका साइको फैमिली उसका शादी करा के ही छोड़ेगा, इसलिए वो वॉशरूम जाकर पहले उसके दोस्त को कॉल करती है। उसे कोई हेल्प नहीं मिलने पर वो नियंग को कॉल करके यहाँ आने कहती है, साथ ही उसे व्हाइट ड्रेस पहनकर आने कहती है। जब वो पहुँचता है तो वो किसी तरह बाथरूम के खिड़की से निकलकर नियंग के साथ भाग जाती है। इसके बाद वो हेल्प के लिए नियंग को थैंक यू कहती है और तभी मिक्स नियंग को मैसेज करता है कि वो अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो जल्दी से जी के साथ स्टूडियो पहुँचता है जहाँ मिक्स लास्ट तक नोट से यही कह रहा था कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस यही बोलना है कि वो चार्म को डेट कर रहा है। यहाँ जब नोट जी को देखता है तो उसे पूछता है कि तुम अचानक कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे लिए वरिड था, तो वो कहती है घर में कुछ काम पड़ गया था। फिर वो कहता है मैंने सोच लिया है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है, और हम समझ पाते हैं कि वो जी के लिए जो फील करता है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाह रहा था। पर यहाँ तो उल्टा रिपोर्टर्स के थ्रू उसे ये पता चलता है कि आज जी का एक बिलियनियर से शादी हुआ, मतलब जी और उसका वो क्लाइंट। अब नोट को तो ये पता ही नहीं था कि जी के साथ क्या क्या हुआ और उसे शादी वाला न्यूज सच लगा, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस कर देता है कि वो चार्म को डेट कर रहा है। वही इधर ये सुनकर जी काफी उदास हो जाती है जबकि मिक्स और चार्म इसे काफी खुश होते हैं। मिक्स इसी खुशी में सारे स्टाफ को पार्टी देता है, हालांकि इसे नियंग और नोट तो खुश नहीं दिखते हैं। यहाँ मिक्स के स्टूडियो चार्म भी आती है और नोट को बताती है कि उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो नंबर वन ट्रेंडिंग पर है, लेकिन उसका सैड सा चेहरा देखकर चार्म उसे पूछती है क्या तुम हमारे डेटिंग के बारे पब्लिक करके गिल्ट फील कर रहे हो, पर नोट कहते हुए चला जाता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। इसके बाद नियंग नोट से कहता है कि अब तो तुम पॉपुलर बनकर बहुत खुश होगे। तब नोट कहता है मैं ये सब हमारे बैंड के लिए ही कर रहा हूँ और तुम ये मत सोचना कि बीच रास्ते में हमारा बैंड छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं अपना नया गाना तैयार कर रहा हूँ। तब नियंग कहता है और जी के बारे क्या कहना है, तो नोट कहता है उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है और वैसे भी उसने तो अब शादी कर लिया है,
नियंग कहता नहीं, वो सब न्यूज बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसने शादी नहीं करा है। पर अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो उसे मैं अप्रोच करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन, जी जॉब के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है पर उसके खराब लक के कारण उसे वहाँ जॉब नहीं मिलता है। अब क्योंकि उसके बैड लक के कारण पहले वो जॉबलेस हुई, फिर होमलेस और अब होपलेस। वो मिक्स के पास जाती है और उसे कहती है कि अब उसका कंडीशन ऐसा हो गया है कि खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है। मिक्स उस पर सिंपैथी दिखाता है और उसे जॉब पर रख लेता है, लेकिन दो कंडीशन पर। वो पहला कंडीशन बताता है कि नोट के साथ दोबारा कोई अफवाह नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि तुम अब से अपने दोस्त को मेरे साथ ब्रेकअप करने के लिए भड़काओगी नहीं। इसके बाद मिक्स की कंडीशन को मानते हुए वो नोट को अब इग्नोर करने लगती है। साथ ही अपने दोस्त से कहती है कि कितना ही बार मिक्स ने तुम्हें रिजेक्ट किया है पर तुम हमेशा उसे अप्रोच करने में लगी रहती थी, तो अब क्यों नहीं। तब उसकी दोस्त कहती है, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कितना ही बार रिजेक्शन झेलती रहूंगी। नेक्स्ट सीन, जी नोट का शेड्यूल देखती है जहाँ उसका आज एक मैगजीन इंटरव्यू था पर वो तो अभी चार्म के साथ बाहर फोटोशूट पर बिजी था। ये बात कहने वो मिक्स के पास जाती है जहाँ वो मिक्स को दूसरे स्टाफ के साथ फ्लर्टिंग करते हुए पाती है। नोट कहती है, तुम्हें शर्म आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है। तब मिक्स कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस जॉब से ना निकालूं तो अपना मुंह बंद रखना। अब बेचारी वो क्या ही कर सकती थी। खैर वो नोट को कॉल करके उसके मैगजीन इंटरव्यू के बारे बताना चाह रही थी पर कॉल चार्म रिसीव करती है और उल्टा जी को ही सुनाने लगती है। इसके बाद काफी रात गए नोट स्टूडियो पहुंचता है और इंटरव्यू के बारे पूछता है, जहां जी कहती है, अब तुम आराम करो क्योंकि वैसे भी मैंने इंटरव्यू कैंसिल करा दिया है। अब क्योंकि नोट दिन भर का थका हारा था तो वो वहीं सो जाता है। हालांकि यहाँ जी उसे इग्नोर करके जाना चाहती थी पर उसे इग्नोर नहीं कर पाती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अगले सन उसकी मम्मी उसे कॉल करके बताती है कि उसके उस क्लाइंट ने उन्हें अपने घर से निकल जाने को कहा है। जी कहती है, तो अब मैं क्या ही करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तब उसकी मम्मी उसे सुनाने लगती है कि अगर तुम उसे शादी कर लेती तो ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं। तभी वो जीडी और नियंग को बातें करता हुआ सुनती है। जीडी और नियंग इस बात से परेशान थे कि मिक्स सिर्फ नोट पर फोकस कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं एक दिन वो उन्हें डिसबैंड ना कर दे, और तभी उनका नजर जी पर जाता है। लेकिन अगले सीन हम देखते हैं कि सब अपना फ्रस्ट्रेशन हटाने के लिए क्लब में होते हैं जहां जीडी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट सीन, नियंग जीडी को टैक्सी में बैठाकर घर भेज देता है। इसके बाद वो नियंग से कहती है कि अगर सच में मिक्स ने तुम लोगों को डिस्पेंड कर दिया तो तुम लोग क्या करने वाले हो, कैसा रहेगा, तुम लोग गिव अप नहीं करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तब नियंग कहता है, अगर वैसा दिन आएगा भी तो हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन तुम हमेशा दूसरों के लिए फिक्र क्यों करती हो, ये अपने में अप्लाई क्यों नहीं करती। दूसरों के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है तुम्हारे पास पर अपने प्रॉब्लम्स के नहीं। और तब तक एक टैक्सी आ जाता है जहाँ जी कहती है, तुम जाओ मैं आज अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी। तब नियंग कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम नोट को देखते हैं जो अपना नया गाना लिखने का कोशिश कर रहा था पर क्योंकि वो भी अपने करंट सिचुएशन से खुश नहीं था इसलिए उससे भी गाना नहीं लिखा जा रहा था। इसके बाद वो जी को याद करता है और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके अब उसे अच्छा फील होता है और अब वो अपना गाना भी लिख पाता है। फिर कुछ सोचता है और जी को कॉल करता है जहाँ वो देखता है कि जी तो उसके दरवाजे के बाहर ही है। जैसे ही वो गेट खोलता है जी कहने लगती है, इस तरह तुम तीनों का बैंड खत्म नहीं हो सकता। हाँ मैं जानती हूँ तुम अब पॉपुलर हो गए हो, एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, हजारों गर्ल्स को डेट कर सकते हो, पर इस तरह अपने फ्रेंड्स के ड्रीम को नहीं छोड़ सकते। नोट कहता है, वेट, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपना बैंड छोड़ूंगा और मेरे फ्रेंड्स का सपना म्यूजिक है तो मेरा भी सपना म्यूजिक ही है, इसलिए मैं किसी का सपना नहीं तोड़ने वाला और वैसे भी मैंने अपना नेक्स्ट सॉन्ग तैयार कर लिया है। ये सुनकर जी काफी रिलैक्स फील करती है। नोट कहता है, क्या इस बात से जीडी और नियंग भी परेशान है। तो वो कहती है, नियंग तो उतना नहीं पर जीडी को ज्यादा ही परेशान है। तब नोट भरोसा दिलाता है कि वो अपना बैंड कभी नहीं छोड़ेगा। फिर उससे कहता है, ये मैटर तो क्लियर हो गया लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारे रिलेशनशिप को भी क्लियर करना चाहिए, क्या कोई और बात नहीं है जो तुम उसे कहना चाहती हो। तब जी कहती है, मेरा शादी नहीं हुआ है, एक्चुअली घर वाले अरेंज मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे बट मैंने नहीं किया। तब नोट कहता है, जानता हूँ। फिर वो कहता है, मुझे भी वैसा अनाउंसमेंट के लिए फोर्स किया गया था, चार्म के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर वो कहती है, उस रात पार्टी में हम मिले थे, हमने ड्रिंक करा था। तब नोट कहता है, हाँ फिर मैंने तुम्हें अपना घर लाया। जी कहती है, तो तुम्हें याद आ गया। तो वो कहता है, याद तो नहीं लेकिन मैं अपने फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ कि मेरे सपनों में आने वाली लड़की तुम ही हो। इसके बाद यहाँ जी ये भी बताती है कि उस रात में नाइट स्पेंड करने के बाद हमारा लक एक्सचेंज हो गया। फिर वो सारा किस्सा बताती है कि इसके बाद वो फॉर्चून टेलर से मिली, लक वापस करने के लिए उसके साथ क्लोज होने का कोशिश करी बट इन द एंड वो सच में नोट से प्यार करने लग गई। ये सब नोट को काफी ड्रामेटिक लगता है पर इस बात से वो खुश भी होता है कि जी भी उसके लिए वही फील करती है जो वो उसके लिए फील करता है। यहाँ वो जी को प्रपोज करता है और जी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी करती है। इसके बाद वे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ढेर सारा बातें करते हैं। फिर नोट उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा लक खराब चल रहा है।
एक बार तुम्हें ने कहा था कि सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है अगर तुम ट्राई करते रहोगे, और इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि तुम ये सोचो कि तुम लकी गर्ल हो। नोट के बातों से जी को काफी अच्छा फील होता है। अब दोनों आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि बीच में यहाँ चार्म नोट को कॉल कर देती है। जी नोट से कहती है पहले तुम्हें चार्म से बात करना चाहिए, और नोट को भी लगता है कि उसके और जी के रिलेशन के बारे चार्म को बता देना चाहिए, इसलिए वह चार्म के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। जहाँ चार्म कहती है कोई बात नहीं, तुम जी को डेट कर सकते हो, आफ्टरऑल हमारा डेटिंग स्टोरी तो बस बिजनेस प्रॉफिट के लिए है। पर चार्म का मैनेजर कहता है क्या तुम सच में नोट को गिव अप कर रही हो, तो वह कहती है बिल्कुल नहीं। वहीं इसके बाद हम उन्हें उनके एक इवेंट में देखते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद नोट जी को बताता है कि उसने चार्म से बात कर लिया है, और चार्म को हमारे रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जल्द ही मीडिया में हमारे रिलेशनशिप के बारे भी पब्लिक कर दूंगा, पर फिलहाल इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। और उनका ये बातें नियंग सुन लेता है। अगले सीन नोट जी को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ रखता है। यहाँ जी उसे अपने घर जाने कहती है, पर वो ये कहते हुए उसके रूम घुस जाता है कि रात बहुत हो गया है तो वो यही नाइट स्पेंड करेगा। फिर जी से फ्लटिंग करता है कि मुझे ये लक स्विच करने वाला स्टोरी पे बिलीव तो नहीं है, लेकिन ये मेथड काफी इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना अभी एक बार लक स्विच किया जाए। और फिर जी को अपने तरफ पुल करता है। जी कहती है अच्छा तो तुम एडवांटेज लेना चाहते हो, और तभी नोट को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। और नेक्स्ट सीन हम दोनों को हॉस्पिटल आता देखते हैं। एक्चुअली नोट के फादर का अचानक तबीयत बिगड़ जाता है और उन्हें इमिडिएटली ओटी ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर नोट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। अब नोट भी परेशान होता है कि उतना सारा पैसों का इंतजाम कैसे करे, इसलिए वो मिक्स से इस बारे बात करने जाता है। यहाँ मिक्स उसे पैसों के बदले नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने कहता है, और नया कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अब से उसे सोलो परफॉर्मेंस करना था। नोट कहता है इससे हमारे ग्रुप का क्या होगा, मैं इस तरह अपने फ्रेंड्स को धोखा नहीं दे सकता। मिक्स कहता है तुम्हारे लिए भी सही ऑप्शन यही है, ऐसे भी ऑडियंस सिर्फ तुम्हें देखना चाहती है, ना कि उन दोनों को। पर यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता है। जी उसे कम्फर्ट फील कराती है कि डोंट वरी, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। इसके बाद हम नोट को उसके फादर के साथ देखते हैं, जहाँ नोट कहता है आपको लगता होगा कि मैं आपका बैड लक सन हूँ, क्योंकि मेरे वजह से मम्मी इस दुनिया में नहीं है, मेरे वजह से आपका बिजनेस डाउन हो गया, मेरे वजह से आप अभी हॉस्पिटल में हैं। इस पर उसके फादर कहते हैं तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारा इन सब में कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे कभी बैड लक नहीं होते। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ चीज या पैसा जितना ही लक होता है, पर लकी तो वे होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, जिनसे वे प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जी सोचती है कि अब तो वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, पर क्या होगा जब वे इंटीमेट होंगे, नोट फिर से अनलक्की पर्सन बन जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसके फादर का कंडीशन बदतर से बदतर हो जाएगा, और उसका लाइफ एकदम बेकार हो जाएगा, ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त के वहाँ जाती है, जहाँ उसके दोस्त उसे इस तरह देख उसे कम्फर्ट फील कराती है। वही इधर नोट जी को कॉल करता है पर वो रिसीव भी नहीं करती है। तब वो उसके अपार्टमेंट जाता है पर वो वहाँ भी नहीं होती। नोट नियंग से उसके बारे पूछता है पर वो नोट से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वहीं इधर जी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम इस तरह उसे कितने दिन तक अवॉइड करती रहोगी, बेटर होगा उसे मिलकर बात कर लो। जी कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से उसका बैड लक वापस आ जाए, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरा उसे दूर रहना ही बेटर है, मेरा क्या है, मैंने तो इस तरह जीना सीख लिया है। इसके बाद दिन गुजरते जाते हैं पर नोट जी से कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करता रहता है, पर जी का कहीं अब अता पता नहीं था। नोट को समझ नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया था कि जी गायब ही हो गई थी। इसी बीच एक दिन वो उसके घर के लाइट्स ऑन देखता है, तो वो दौड़ते हुए उसके रूम पहुंचता है और जी को देखकर काफ़ी खुश होता है। वो पूछता है कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी, मैं कितना परेशान था। तो जी कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। नोट शॉक्ड होकर कहता है कि क्या बात है, तुम्हें ने तो कहा था कि तुम उसे प्यार करती हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने चार्म के साथ सब कुछ क्लियर भी कर लिया है, तो फिर दिक्कत क्या है, क्यों तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। जी कहती है मैंने झूठ कहा था तुमसे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ तुम्हारी क्रेजी फैन थी और मैं बस तुम्हारे क्लोज होना चाहती थी, जो कि मैं अपने प्लान में सक्सेस भी हुई, और इसलिए तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नोट को उसके बातों से काफ़ी हर्ट होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसके आंखों में तो आंसू था ही, पर जी को भी ये सब कहते हुए कितना तकलीफ हो रहा था ये हम समझ पाते हैं। वहीं नियंग उन दोनों का बातें सुन रहा था पर वो नोट से कुछ भी नहीं कहता है। अब इसके बाद नोट सोचता है बस बहुत हो गया, जितना दूसरों के लिए अच्छा करो उतना ही वे से फायदा उठाते हैं, इसलिए अब से मैं वही करूंगा जिसमें मेरा फायदा हो। और अगले सीन हम देखते हैं जहां नोट नियंग और जीडी के साथ बहस करके इस ग्रुप से क्विट कर लेता है और मिक्स के नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है, यानी अब से वो सोलो परफॉर्मेंस करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों का होता है, इसलिए तब तक उसे चार्प के साथ डेट करना था।
वही मिक्स जीडी और नियंग से कहता है क्योंकि अब तुम लोगों के ग्रुप का लीडर सोलो परफॉर्म करेगा, इसलिए मैं तुम दोनों को नया बैंड दूंगा किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ। लेकिन नियंग और जीडी इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं होते हैं और वे क्विट करना ही बेटर समझते हैं। जिसके बाद मिक्स जी से कहता है कि अब जब ये ग्रुप ही नहीं रहा तो मैनेजर का कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए तुम भी इनके साथ जा सकती हो। अगले सीन जी नोट का साइड लेते हुए उन दोनों को बताती है कि नोट का ये सब करने के पीछे ये इंटेंशन नहीं है कि वो तुम दोनों को धोखा दे रहा है, एक्चुअली उसके फादर का कंडीशन सीरियस है और उसे पैसों का जरूरत है। ये सुन जीडी नोट के लिए सॉरी फील करता है। वही नियंग कहता है मैं उसका कंडीशन समझ सकता हूँ पर उसके बिहेवियर के लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं जॉब नहीं होने के कारण जी को अपना कार बेचना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब नोट और चाम का नया ड्रामा रिलीज होता है, जिसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में हम नोट और चाम को देखते हैं। यहाँ एंकर ऑडियंस का क्वेश्चन उनसे पूछती है और मैक्सिमम क्वेश्चन उन दोनों के रिलेशनशिप पर होता है। अब हजारों इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन का सेम आंसर देते देते नोट भी इरिटेट होने लगता है, पर चाम किसी तरह सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। चाम का मैनेजर नोट से कहता है कि तुम अब सेलिब्रिटी हो और ये मत भूलना कि तुम चाम के साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए तुम्हें ऑडियंस के बातों का फ्रेंडली जवाब देना होगा चाहे तुम्हें कितना भी इरिटेशन क्यों ना हो। वहीं उधर नियंग अपना न्यू सॉन्ग अपलोड करता है जिसमें उसके गाने पर अच्छा खासा व्यूज जाता है। ये देख तीनों काफी खुश होते हैं, पर यहाँ जब जी बबल टी पीटी है तो उसके गले में पल फंस जाता है। जीडी और नोट तुरंत पल बाहर करने में हेल्प करते हैं। यहाँ वे बताते हैं कि इससे पहले नोट का भी एक बार ऐसा ही हुआ था। अगले सीन हम जी और उसके दोस्त को देखते हैं जहाँ वह कहती है कि इसका मतलब तुम अपना लक स्विच नहीं करना चाहती हो। इस पर जी कहती है मुझसे ज्यादा अभी नोट को लक का जरूरत है, मैं तो इस तरह जीना सीख ली हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है सच में तुम अभी बिल्कुल होपलेस हो, खैर मैं तुम्हारे लिए कोई छोटा मोटा जॉब का इंतजाम करने का कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ जीडी एक ऑडिशन में जाता है जहाँ उसे एक पुराने गाने का ऑफर मिलता है। उसका वीडियो देखकर जी कहती है एकमात्र यही बंदा है जो हर सिचुएशन में कूल रहता है। इसके बाद जी के फ्रेंड उसे एक डेटा एंट्री का काम दिलवाती है और उसके काम के थ्रू नियंग को पता चलता है कि जी के लिए एक अच्छा आदमी मायने रखता है, ना कि वो जिससे वो प्यार करती है। और जी के इस थिंकिंग से नियंग काफी खुश होता है। वैसे यहाँ जीडी भी काफी खुश था, आफ्टर ऑल उसे नए नए गाने का ऑफर जो मिल रहा था। इसके बाद हम जी को जॉब के लिए भटकते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोट का प्रोफेशनल लाइफ तो मस्त चल रहा था पर उसका पर्सनल लाइफ ठीक नहीं था। इसके वजह से वो किसी भी चीज में एनर्जेटिक नहीं दिखता था, ना ही एक्टिंग क्लास में, ना ही अपने काम पर। ऊपर से चार्म से बिना मतलब चिपकते रहते थे चाहे वे पब्लिक प्लेस में हो या ना हो। वहीं इधर नियंग जी के रूम आता है जहाँ वो देखता है कि पूरा रूम बिखरा पड़ा है और जी एक तरफ बेड में है। वो जी से पूछता है कि क्या बात है, जहाँ वो बताती है कि मेरे पास बाहर जाने तक के पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है, कुछ भी करने के पैसे नहीं है। नियंग हंसते हुए कहता है चलो अभी डिनर कर लो, मेरे तरफ से ट्रीट रहेगा। जी कहती है नहीं रहने दो, तुम खुद अभी अनएम्प्लॉयड हो। तब नियंग उसे बताता है कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री में उसे अपना टीम बनाकर काम करने का मौका मिला है। तो वो जी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो। ये सुनकर जी काफी खुश होती है। यहाँ नियंग उसे ये भी कहता है कि उसने अपना एक नया गाना तैयार किया है जो वो सबसे पहले जी को सुनाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं वो इनडायरेक्टली गाना के थ्रू अपने दिल का बात जी को बताता है। हालांकि जी को उसका फीलिंग समझ आता है पर वो नहीं समझने का प्रिटेंड करती है। इसके बाद दिन गुजरते हैं और एक अवार्ड शो में हम फिर से सबको साथ देखते हैं। यहाँ जीडी, चार्म और नोट, नियंग और जी सभी आते हैं जहाँ बेस्ट टीवी कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड नोट और चार्म को मिलता है। यह नोट और जी जब मिलते हैं तो जी उसे आज के अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेट्स कहती है, साथ ही कहती है मैं खुश हूँ तुम्हें सक्सेस और खुश देखकर। फिर उसे उसके फादर के बारे पूछती है जहाँ वो बताता है कि उसके फादर का तबीयत अभी सही है। फिर नोट पूछता है कि आजकल तुम्हारा कैसा चल रहा है, तो वो बताती है कि वो अभी नियंग के साथ काम करती है। तब तक वहाँ नियंग भी आ जाता है। फॉर्मेलिटी के लिए वो नोट को कॉन्ग्रेट्स कहता है और जी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जी रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी उसके हाथों से सामान गिर जाता है जिसको उठाने के लिए वो नीचे झुकती है, पर तभी एक कार उसे टक्कर मार देता है। वही नोट भी उसी रास्ते से आ रहा था और जब वो ये सिनेरियो देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। तो वो जी का एक्सीडेंट होता देख जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है जहां वो अभी बेहोश थी। यहां नोट देखता है कि जी के मोबाइल के वॉलपेपर पर उसका फोटो है। तभी नियंग जी को कॉल करता है जहां नोट उसे बताता है कि जी का एक्सीडेंट हुआ है। नियंग उसे हॉस्पिटल का लोकेशन सेंड करने कहता है। तब नोट कहता है ये बात तुम किसी और को नहीं बताना, मैं नहीं चाहता कि चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। नियंग ये कहते हुए कॉल कट कर देता है कि इस सिचुएशन में भी तुम्हें अपना रेपुटेशन का पड़ा है। फिर वो हॉस्पिटल जाने का जल्दी में था ही कि जीडी उसके पास आकर उसे बताता है कि उसका गाना अभी नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है और साथ ही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा अगला सॉन्ग तुम ही लिखो। नियंग कहता है वो सब ठीक है पर मुझे अभी जाना होगा। जीडी सोचता है म्यूजिक से अधिक इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इसलिए वो नियंग को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है।
अब क्योंकि इन दिनों जीडी म्यूजिक इंडस्ट्री में थोड़ा पॉपुलर था, तो यहाँ हॉस्पिटल में भी वो अपने कुछ फैंस को पाता है जो कि उसके साथ सेल्फी वगैरह खिंचाते हैं। उसके कुछ फैंस नियंग के साथ फोटो खिंचाने का डिमांड करते हैं, इसलिए जीडी उनको नियंग के पास ले जाता है, पर वहाँ तो नोट भी था। ये देख सब कोई हैरान रहते हैं और अब देखते ही देखते उन सबका फोटो सोशल मीडिया में शेयर होने लगता है। ये न्यूज टीवी चैनल तक भी पहुंच जाता है। चाम से सवाल किए जाते हैं कि नोट जी के साथ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ जी के फ्रेंड को भी न्यूज के थ्रू जी के एक्सीडेंट के बारे पता चलता है। इधर नियंग जीडी को डांटता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वहीं इसी हॉस्पिटल में हम जी के उस बिलियनियर क्लाइंट को देखते हैं जो जी के प्यार में ब्रोकन हार्ट लिए डॉक्टर को बताता है कि उसका दिल टूट गया है। उसे न नींद लगता है, न भूख, न प्यास। उसके नौटंकी से परेशान होकर स्टाफ उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने कहते हैं। वही नोट के रिक्वेस्ट करने पर हॉस्पिटल के गार्ड्स रिपोर्टर्स को बाहर ही रोके रखते हैं। तभी वहाँ अपना फेस छुपते छुपाते चाम और उसका मैनेजर भी आता है। इसके बाद हम सबको जी के पास देखते हैं। यहाँ चाम जी के बारे बुरा बुरा बोल रही थी, इसलिए ये जी के फ्रेंड को बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसको एक थप्पड़ खींच के लगा ही देती है। फिर दोनों में बहस स्टार्ट हो जाता है। वहीं जी का वो क्लाइंट बड़बड़ाता है कि तुम उठ क्यों नहीं रही हो, अब मैं शादी किससे करूंगा। अब नोट का पारा गर्म होता है, वो गुस्सा से सबको शांत रहने बोलता है। तब तक डॉक्टर आकर बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से जी को ब्रेन में चोट आया है, इसलिए ये चांस है कि ये अपना मेमोरी भूल जाए। और अगले सीन हम देखते हैं जी को होश आने लगता है, पर यहाँ वो बीते कुछ दिनों का मेमोरी याद नहीं कर पाती है। सब मिलकर उसे याद दिलाने का कोशिश करते हैं, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि घबराने वाला कोई बात नहीं है, इसका टेम्पोरेरी मेमोरी लॉस हुआ है, कुछ दिनों में इसे सब कुछ याद आ जाएगा। यह नोट जी की फ्रेंड से कहता है क्या वो लक स्विच होने वाला मैटर सच है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है मैं तो उसे लंबे समय से जानती हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि उसे अच्छे लक का आशीर्वाद मिला था, पर जिस दिन से वो तुमसे मिली उसके बाद से उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया की आखिरी अनलकीस्ट पर्सन बन गई हो। ये सुनकर नोट कहता है क्या उसका लक वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, क्या लक वापस लाने के लिए मुझे उसके साथ सोना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ नियंग आकर नोट से कहता है कि तुम लोग क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम इतना कैसे गिर सकते हो कि लक का एक्सक्यूज लेकर जी के साथ सोना चाहते हो। नोट चिरते हुए कहता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और ये मैटर मेरे और जी के बीच है, तो तुम इसमें टांग क्यों उड़ा रहे हो। नियंग कहता है मेरे होते हुए तुम जी का एडवांटेज नहीं ले सकते। और तभी नोट को मिक्स का कॉल आता है जहाँ वो इमीडिएटली उसे आने कहता है क्योंकि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। जब नोट मना करता है तो मिक्स उस पर प्रेशर डालता है और मजबूरन उसे जाना पड़ता है। वहीं इधर चार्म नियंग से कहती है कि मुझे पता है तुम जी को लाइक करते हो, कैसा रहेगा हम दोनों मिलकर काम करें, तुम्हें जी मिल जाएगी और मुझे नोट। नियंग कहता है ये सब सोचने से बेटर है जाकर अपना ड्रामा पर फोकस करो। अगले दिन जीडी नियंग से कहता है तुम्हारे में सेकंड मेल लीड का सारा गुण है, लेकिन फीमेल लीड तो मेल लीड के साथ ही जाएगी। तब नियंग कहता है मैं ही सेकंड लीड क्यों, तो जीडी कहता है तो क्या तुम फीमेल लीड बनना चाहते हो, वैसे भी अभी बीएल सीरीज ट्रेनिंग पर है। जीडी के बातों से नियंग को थोड़ा बेटर फील होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोट क्लियर करता है कि जी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो बस एज ए फ्रेंड उसे विजिट करने गया था। इसके बाद वो जी के पास दोबारा जाने खोजता है, पर चाम कहती है कि कल का शूटिंग आज रात होना है और अगर तुम सेट पर नहीं आओगे तो क्रियो मेंबर को एक और अफवाह उड़ाने का बहाना मिल जाएगा, इसलिए जी के पास तुम शूटिंग के बाद भी जा सकते हो। अगले सीन हम देखते हैं शूटिंग के बीच नोट जी को कॉल करता है। तब जी कहती है तुम पॉपुलर सिंगर नोट हो ना जो चाम को डेट कर रहे हो, तो नोट कहता है तुम्हें जब सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम सब समझ जाओगी, लेकिन अभी बस इतना याद रखना कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। फिर नियंग जी से कहता है कि आई थिंक तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, बातें कल भी किया जा सकता है। यहाँ नियंग जी के मोबाइल का वॉलपेपर देखता है जिसमें नोट का फोटो था। अगले सीन हम देखते हैं जहाँ जी को अब डिस्चार्ज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोट को शूटिंग में इतना बिजी रखा जाता है कि वो जी से मिल ही नहीं पाता है। शूटिंग खत्म होने के बाद मिक्स उसे चार्म के साथ एक इवेंट में अटेंड होने कहता है। वो जाने नहीं खोजता है, पर क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा था इसलिए उसे मिक्स का सारा ऑर्डर मानना ही था। पर यहाँ वो नियंग और जी को कॉल करता है, लेकिन उन दोनों में से किसी के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होता है। तब वो जीडी को कॉल करता है जहाँ वो बताता है कि आज ही जी को डिस्चार्ज किया गया और नियंग उसे अपने घर ले गया है। वहीं उधर हम देखते हैं नियंग उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है जहाँ जी देखती है कि उसका और नियंग का साथ में फोटो है। वो पूछती है क्या हम लोग साथ में रहते थे, तो वो कहता है हाँ हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब क्योंकि जी को तो कुछ याद ही नहीं था इसलिए वो नियंग का बात मान लेती है, पर उसे ये फील नहीं होता है कि वो नियंग को लाइक करती थी, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही थी कि क्या सच में वो नियंग को डेट कर रही थी। यहाँ नियंग कहता है कि स्टार्टिंग तुम किसी और को लाइक करती थी और मैं तुम्हें ही लाइक करता था, लेकिन तुम मुझे सिर्फ दोस्त जैसा ही मानती थी, पर जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। जी कहती है क्या वो नोट था। नियंग कहता है हाँ, उसने अपने फायदे के लिए तुम्हें छोड़कर चाम को डेट करना स्टार्ट किया। जी कहती है क्या मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी, तो वो कहता है हाँ। जी कहती है तुम्हारे जैसे इतने अच्छे इंसान के होते हुए मैं इतना हर्ट कैसे हुई थी।
फिर डिनर करने के बाद नियंग उसके लिए बेड तैयार करता है। जहाँ जी पूछती है क्या हम लोग साथ सोने वाले हैं, तो नियंग कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे रेडी होने का वेट है, तब तक मैं सोफे पर सोऊंगा। तब जी उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरे हर सिचुएशन में मेरे साथ रहे हो, अगर मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तब नियंग उसके क्लोज होता है, इतने क्लोज होता है कि दोनों में किसिंग होने ही वाला रहता है, पर नियंग रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोट का ना तो जी से कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही नियंग से, इसलिए वो जी के दोस्त को कॉल करता है, जहां वो कहती है जब से उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है उससे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ है, और अगर तुम जी के लिए इतना ही परेशान हो तो खुद जाकर उसके बारे पता क्यों नहीं करते। नोट कहता है, तुम तो जानती हो कि काम की वजह से मैं उसे नहीं मिल पा रहा हूं। तब वो कहती है, तो क्या तुम्हारा काम जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कॉल कट कर देती है। वहीं इधर चार्म अपने मैनेजर से कहती है कि नोट का शेड्यूल इतना बिजी रखना कि वो जी से मिलने ना पाए। और अगले सीन हम देखते हैं, रिपोर्टर्स वाले जी से सवाल करते हैं कि आपका और नोट का रिलेशन कैसा चल रहा है। वो कहती है ठीक चल रहा है, पर रिपोर्टर वाले क्वेश्चन करने लगते हैं कि फिर उन्होंने आपको आईजी से अनफॉलो क्यों किया। ये जानकर चार्म भी शॉक्ड होती है। वो नोट को कॉल करती है, जहां वो कहता है, मैंने तुमसे स्टार्टिंग ही क्लियर किया है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ जी से प्यार करता हूं। चार्म कहती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, तुम्हें 3 साल तक मुझसे डेटिंग करना है। तब नोट कहता है, ये बोल बोलकर मुझे परेशान मत करो, वरना मैं रिपोर्टर्स वालों को बता दूंगा कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर रहा। चार्म गुस्सा से तिलमिला उठती है और नोट को फॉलो करने लगती है, जहाँ वो नोट को जी के अपार्टमेंट में जाते हुए देखती है। लेकिन जब नोट वहाँ जाता है तो जी को नियंग के रूम में देखकर हैरान रह जाता है। वो जी से पूछता है, तुम नियंग के साथ क्यों रहती हो, और नियंग से कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जी तुम्हारे साथ है। तब नियंग कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। नोट जी से कहता है, इसने तुमसे झूठ कहा है। तो नियंग कहता है, मैंने इसे सच बताया है कि तुमने इसका दिल तोड़ा है, इसको छोड़कर चार्म को डेटिंग करने लगे, इसलिए इसने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया। नोट कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना हद तक गिर सकते हो। फिर वो जी से कहता है कि तुम इसके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं थी, तुम्हारा याददाश्त चला गया है, इसलिए ये तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारा विश्वास जीत रहा है। पर तुम मुझ पे भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी और मैं भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। मैं अपने काम की वजह से फंसा था, पर मैं तुम्हें हर रोज कॉल करके कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करता था। तब जी कहती है, नहीं, तुम मुझे कभी कॉल नहीं किए हो। तब वो नियंग से कहता है कि इसका मतलब तुमने इसके मोबाइल से मेरा नंबर ब्लॉक किया है। नियंग कहता है, हाँ किया है, मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हारे वजह से फिर से हर्ट हो। इसके बाद उनमें फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जी उन्हें स्टॉप करने कहती है, लेकिन वे तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, इसलिए जी ही वहाँ से निकल जाती है। इधर जी को बाहर निकलता देख चार्म उसका पीछा करती है और मौका पाकर उसे मारने वाली होती है कि जी खुद ही अनबैलेंस होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। चार्म को ये अच्छा मौका मिल जाता है और वो जी को किडनैप कर लेती है, जहाँ जब जी को होश आता है तो वो अपने आप को एक गंदे कमरे में लॉक पाती है। वो हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है पर कोई फायदा नहीं। वहीं इधर चार्म ऐसा करके काफी खुश होती है, पर अगले ही पल उसे लगता है कि वो ये सब आखिर कर ही क्यों रही है। ना तो वो नोट से प्यार करती है और ना ही जी के साथ ऐसा करके उसे कोई फायदा है। वहीं दूसरी तरफ घंटों लड़ने के बाद उन दोनों को जी का याद आता है कि जी तो यहाँ है ही नहीं। वे दोनों हर जगह जी को कॉल करके देखते हैं, पर किसी को जी के बारे कुछ भी पता नहीं था। नियंग कहता है, आई थिंक हमें अब पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी चार्म नोट को कॉल करके सॉरी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया है, मैंने जी को किडनैप कर एक बिल्डिंग के कमरे में बंद कर दिया है, वही बिल्डिंग जहाँ हमने पिछली बार शूटिंग करा था, पर मैं अब ढूंढ नहीं पा रही हूँ कि मैंने उसे किस कमरे में बंद किया है। ये सुनकर अगले ही सीन नोट और नियंग वो बिल्डिंग पहुँचते हैं। वे सब तरफ जी को ढूंढने लगते हैं। नोट भी जी को याद करते हुए हर कमरे में ढूंढता जाता है, पर फाइनली नियंग जी को ढूंढ निकालता है। वो जी को हक करता है और तब तक नोट भी वहाँ पहुँच जाता है। नोट को देखकर जी भी नियंग को हक करती है, इसलिए नोट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन हम देखते हैं, एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में नोट अपकमिंग कॉन्सर्ट के बारे बता रहा था। वहीं इधर जी की दोस्त मिक्स को कॉल करती है कि अब तो उसका बेबी होने वाला है, तो एक बार वो अपने पेरेंट्स से मिल ले। जहाँ मिक्स कहता है कि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, इसलिए काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम नए बेबी की जरूरत के हिसाब से कपड़े वगैरह खरीद लेना। लेकिन वो कहती है, रहने दो, मुझे पैसों का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम मिक्स को उसके टीम मेंबर के साथ देखते हैं। यहाँ उसके मेंबर मिक्स को सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना नोट के पुराने ब्रांड को वापस लाया जाए, इसे ऑडियंस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। पर मिक्स नियंग और जीडी को वापस लाने से साफ इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन नोट नियंग को मैसेज कर पूछता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा बैंड वापस आए, क्या तुम नहीं चाहते कि हम तीनों साथ में परफॉर्म करें। और तब तक बाहर से जी आ जाती है। अब क्योंकि कुछ दिनों में नियंग का अपना एक सोलो प्रोग्राम था तो वो काफी नर्वस था, इसलिए जी उसे इनकरेज करने के लिए वही डायलॉग बोलती है जो एक बार नियंग ने उसको बोला था। ये सुनकर नियंग कहता है कि असल में तुम्हारा मेमोरी कभी लॉस हुआ ही नहीं था, तुम बस भूलने का नाटक कर रही थी, क्यों। तब जी कहती है, तो मैं क्या करती अगर तुम्हें पता चले कि तुम जिसे प्यार करते हो उसके लिए तुम एक अनलकी पर्सन हो, तो तुम क्या करोगे।
नियंग कहता है पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वह नोट के मैसेज का रिप्लाई देता है और अगले सीन हम जीडी, नियंग और जी को कॉन्सर्ट पर जाते हुए देखते हैं और यहाँ नोट भी आया होता है। यहाँ पहले नियंग अपना सोलो परफॉर्म करता है फिर जीडी। यह नोट जी से कहता है कि दूसरे मुझे याद रखे या ना रखे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मुझे याद रखो, मैं बस यही चाहता हूँ। जी कहती है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर तुम्हारे फैंस हम दोनों को साथ देखेंगे तो तुम फिर से प्रॉब्लम में फंस सकते हो, और तब तक नोट के परफॉर्मेंस का भी टाइम हो जाता है। यहाँ जब वो स्टेज पर जाने वाला था तब हम देखते हैं एक आदमी मिक्स को जानबूझकर दूसरी तरफ ले जाता है और ये प्लान नोट का था। हम समझ पाते हैं कि यहाँ वो मिक्स को दूसरी तरफ भेजकर कुछ करने वाला था। यहाँ वो स्टार्टिंग अपना सोलो परफॉर्म करता है जिसके बाद हम उनके बैंड को कमबैक होता देखते हैं। यहाँ नियंग और नोट एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, फिर वे तीनों अपना पुराना फेमस गाना गाते हैं। उन्हें फिर से साथ देख ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड होती है और उनके परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय भी किया जाता है। जी भी उन्हें साथ देकर काफी खुश होती है। वहीं उनको साथ देख मिक्स को ये अच्छा नहीं लगता है। वो जी से कहता है उनको साथ लाने का तुम्हारा ही काम हो सकता है, लेकिन जी कहती है तो तुम ही एक रीजन बताओ कि वे साथ क्यों नहीं होंगे, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि ऑडियंस उनसे खुश है। फिर वो गुस्सा से वहां से चला जाता है। इसके बाद नोट अपने ऑडियंस से कहता है कि किसी ने एक बार पूछा था अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा तो तुम क्या कहना चाहोगे, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं बस इस गाने को किसी के लिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये गाना लिखा है, जिसे मैं प्यार करता हूँ। और यहाँ वो अपने गाने के थ्रू जी को अपना फीलिंग्स बताता है और सभी के सामने उसे हग करता है। जी भी अब काफी खुश होती है। फिर नोट उसे अपने घर लाता है। यहाँ दोनों अपना स्वीट सा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जी का नीट खुलता है तो वो नोट को वहाँ नहीं पाती है। टेबल में वो नोट का छुड़ा हुआ एक लेटर देखती है जिसमें नोट ने लिखा था, जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब तक मैं अपने उस दुनिया में जा चुका हूँगा जिसको मैं बचपन से जीते आया हूँ। मेरे लिए कुछ भी सही नहीं होना आम बात है, पर तुम लकीस्ट पर्सन में से थी जो हमेशा खुश रहा करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लाइफ का वो कांटा नहीं बनना चाहता जो तुमसे तुम्हारा खुशी छीने। हाँ, मैंने ये सब तुम्हारा लक वापस करने के लिए किया है, पर इन सब में एक सच ये भी है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि अब नोट फिर से अनलक्की पर्सन बन जाता है। न्यूज चैनलों में दिखाया जाता है कि नोट ने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। वहीं इधर चांग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट करती है कि उसके और नोट के बीच जो रिलेशन था वो सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए था। वो भी बस वही करती थी जो उसके एजेंसी वाले और उसके मैनेजर कहते थे। यहाँ वो सारा ब्लेम अपने मैनेजर पर डाल देती है। नेक्स्ट सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अब अपना गुड लक वापस आने के कारण जी को अपना घर, अपना पेरेंट्स, अपना जॉब सब कुछ दोबारा मिल जाता है, पर हम उसके फेस में अब भी उदासी देख पाते हैं। यहाँ एक दिन वो न्यूज में अपनी फॉर्चून टेलर का शो देखती है, जहाँ वो बता रही थी कि अब सोलर स्टॉर्म खत्म हो चुका है, यानी सभी स्टार्स अपने अपने ऑर्बिट पर वापस आ चुके हैं, इसलिए सारी बुरी चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये सुन जी अपना जैम लगा ब्रेड नीचे गिराती है, जहाँ ब्रेड विदाउट जैम साइड गिरता है और फर्स्ट टाइम वो इसे खुश नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो फॉर्चून टेलर जी के घर आती है, जहाँ जी नोट के बारे पूछती है तो वो कहती है मैं फ्यूचर के बारे बता सकती हूँ, पर कौन कहाँ है ये मैं कैसे बता सकती हूँ, और तुम दोनों का मिलना तुम दोनों के किस्मत पर डिपेंड करता है। और तभी हम देखते हैं कि जी की फ्रेंड को लेबर पेन होने लगता है। जी उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसकी दोस्त एक क्यूट से बेबी को जन्म देती है, जिसको देख जी भी काफी खुश होती है। अगले सीन जी नियंग के पास आती है, जहाँ नियंग कहता है सिर्फ तुम ही नहीं हो जो नोट को ढूंढ रही हो, मैं और जीडी भी उसे ढूंढ रहे हैं। वहीं उधर मिक्स जी की फ्रेंड के पास आता है, जहाँ वो कहती है कि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं। वो इंसान जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसके बच्चे की माँ के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, तो मैं उस इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ, बेटर रहेगा तुम मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ जीडी और नियंग अपने अपने काबिलियत के दम पर अब काफी आगे निकल चुके होते हैं। उनके फैंस फॉलोवर इतने बढ़ते जाते हैं कि अब वे सेलिब्रिटी से कम नहीं लगते। इसी बीच एक दिन जीडी और नियंग अपने पुराने यादगार मोमेंट्स को याद करते हैं और एक दूसरे का टांग खींचते हैं। यहाँ जीडी नियंग से कहता है कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। नियंग कहता है मुझे भी ऐसा लग रहा है और अब भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मिक्स था, जिसका बिजनेस अभी बिल्कुल ही डाउन हो चुका था। वो जीडी और नियंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों उसके कंपनी को दोबारा ज्वाइन करें, पर यहाँ जीडी ये कंडीशन रखता है कि वो दोनों उसके कंपनी को तभी ज्वाइन करेंगे जब वो नोट को ढूंढ कर लाएगा, ताकि उन तीनों का बैंड ग्रुप वापस आ सके, और यहाँ मिक्स को उनका कंडीशन मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन हम नोट को एक बार में गाते हुए देखते हैं और यहाँ नियंग भी था, यानी नियंग जानता था कि नोट कहाँ पर है। नियंग कहता है तुम कब तक ये हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते रहोगे, तुम्हारे हाँ कहने का बस देरी है, फिर हम तीनों का बैंड वापस आ जाएगा। तब नोट कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बैड लक के वजह से तुम दोनों वापस गिर जाओ। नियंग कहता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम अनलक्की हो, तुम्हारे साथ हमेशा से मैं और जीडी थे और हमेशा साथ रहेंगे,
तो क्या हुआ अगर तुम्हारे आने से हमारा लक फिर से खराब हो जाएगा? हम तीनों साथ मिलकर पहले भी झेलते थे और आगे भी झेलेंगे। पर नोट नियंग का बात नहीं सुनता है। नियंग कहता है जी तुम्हें बहुत मिस करती है, वो तुमसे दूर रहकर खुश नहीं है, इसलिए तुम हीरो बनने का कोशिश मत करो। नोट कहता है अगर मैं स्टोरी का हीरो हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी हीरोइन मेरे वजह से अनहैप्पी रहे। वहीं दूसरी तरफ जी के पेरेंट्स उसके अच्छे लग वापस आने पर खुश तो काफी थे, पर उन्हें भी जी के चेहरे का उदासी साफ दिखता है। इसलिए वो जी से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी बेटी हो, लेकिन हमने तुम्हारे लक का बहुत एडवांटेज लिया है, इसलिए अब तुम हमारे बारे नहीं बल्कि अपनी खुशी के बारे सोचो और उसके लिए तुम्हें जो सही लगे वो करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां नोट या कंट्री छोड़ने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट दिन वो नियंग को कॉल करके कहता है कि उसने गलत डेट पर फ्लाइट बुक कर लिया है और फ्लाइट आज ही रात 10 बजे है। अब नियंग देखता है कि अभी 8 बज रहा है। वो जल्दी से जी के घर जाता है और उसे पूछता है सच बताना कि तुम नोट से प्यार करती हो या नहीं। वो कहती है हाँ करती हूँ, इतना कि उसे खोना नहीं चाहती। नियंग कहता है मेरा दिल तो टूट ही गया, खैर जल्दी चलो उसका भी फ्लाइट है वरना तुम उसे और रोक नहीं पाओगे। जी कहती है मैं जानती थी तुम्हें उसके बारे पता है। फिर नियंग उसे वो बार ले जाता है जहाँ नोट गाया करता था। यहाँ जाकर जी को पता चलता है कि नोट कुछ मिनट पहले ही चला गया। जी दौड़ते हुए बाहर निकलती है और नोट को रुकने कहती है, पर नोट उसे देखकर भागने लगता है। तब वो कहती है क्यों अवॉइड कर रहे हो मुझे? वो रुकता है और कहता है मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जी कहती है तुमसे दूर रहकर मैं वैसे भी खुश नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा गुड लक तो तुम ही हो, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोनों साथ में अच्छे और बुरे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। नोट कहता है मेरा भी गुड लक तुम ही हो और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, और फिर उसे हक करता है। अगले दिन हम दोनों को बेड पर देखते हैं। यहाँ नोट कहता है ये लक स्विच करने वाला मेथड काफी इंटरेस्टिंग है। जी कहती है आज तुम्हारा गुड लक है, यूज कर लो, लेकिन कल मुझे लक चाहिए क्योंकि मुझे एक नए इन्वेस्टर के लिए अकाउंट खोलना है। तब नोट टीज करते हुए कहता है मतलब रात में दोबारा करने का चांस मिलेगा। अगले दिन एक बार फिर से हम तीनों के बैंड ग्रुप को कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिसके बाद नोट सबके सामने कहता है कि वो अपने इन दोनों दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं है। पैसा और फेम कितना भी ऊंचाई पर क्यों न ले जाए, पर खुशी तब मिलता है जब ऐसे दोस्त साथ हो और वो जो तुमसे प्यार करती हो। यहाँ जी सोचती है कि जरूरी नहीं है कि जो लकी है वो खुश है और जो अनलक्की है वो ना खुश है। एक्चुअली हमारा हैप्पीनेस हमारे लक पर डिपेंड नहीं करता है। हम लक्की हो चाहे अनलक्की, अगर हम उनके साथ रहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो इसी के साथ इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं चलिए किसी दूसरे ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।